नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नैन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस इलाके में, आप देख सकते हैं आज यहां पे काउंटिंग हो रही है और जो काउंटिंग होने के बाद लगभग 4 बजे के बाद यहां पे घोषित किया जाएगा प्रत्याशियों का नाम। तब तक के लिए यहाँ पे काफी सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के साथ और भी सुरक्षा एजेंसी यहाँ पे मौजूद है। लगातार यहाँ पे लोगों जो स्टूडेंट है यहाँ पे खड़े हैं, अपने इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके प्रत्याशियों का जो काउंटिंग होने के बाद उनका प्रत्याशियों की जीत की बात सामने आएगी। तो इसलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे हैं। क्या नाम है आपका? पहले रवीश भारद्वाज। रवीश जी, 2 महीने के बाद आज काउंटिंग हो रही है, गलती किसकी है? गलती ये सारी प्रशासन की है। प्रशासन की गंदगी तो आपने फैलाया था ना? नहीं, गंदगी तो ये पोस्टर होल्डिंग तो जो है, जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी है, जब से डुसू की नियुक्ति हुई है, जब से चुनाव होते आए हैं, हमेशा होते हैं। और दिल्ली देश में कितनी जगह चुनाव होते हैं, हर जगह होल्डिंग पोस्टर तो लगते ही हैं। और यूनिवर्सिटी को अगर छोड़ दिया जाए, मैं बाकी देश की बात करूँ तो खुलेआम दारू बांटते हैं, खुलेआम पैसे बांटते हैं, तो वहाँ पे आज तक कोई चुनाव पोस्टपोन नहीं हुआ। ये सारा जो मिसयूज ऑफ पावर है, शक्ति प्रदर्शन जो है, ये नादान मासूम छोटे छोटे बच्चों पे, स्टूडेंट्स के ऊपर ही क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि आप आगे जाके भविष्य में बड़े बड़े नेता बनेंगे, राजनीति का पूरे मार्केट में माहौल, राजनीति माहौल आप ही लोग कायम करेंगे, तो इसलिए आपको सीख दिया गया कि आप इस तरह से करेंगे तो आगे जाके जो पोस्टरबाजी होती है, जो गंदगी फैलाई जाती है दीवारों पे, चाहे सभी जगह पे, वो ना हो। यदि मेरी व्यक्तिगत राय मानी जाए तो मैं तो यही चाहता हूँ कि होर्डिंग पोस्टर की आवश्यकता ही नहीं है। विचारधारा से चुनाव लड़े जाएं, जमीनी मुद्दे उठाए जाएं और जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उनके ऊपर बात की जाए। ये तो एक तरीके से जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास गुंडे बदमाश है, गुंडे बदमाश यहाँ होर्डिंग लगाते हैं, तो ये गलत है। मैं तो ये हकीकत में ये चाहता हूँ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। जो इस बार जो प्रशासन ने किया है, इसका एक सही जो पॉजिटिव साइड जो देखी जाए, आगे से होर्डिंग पोस्टरों की लड़ाई नहीं होगी। यहाँ पे मर्डर हो जाते हैं, गोलियां चलती हैं, इस बार कितने लोगों पर केस हुए हैं, तो भविष्य में शायद ऐसा नहीं होगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे जो आज काउंटिंग हो रहा है, क्या लगता है जो काउंटिंग में किसकी जीत होगी या कुछ? ये काउंटिंग में लग रहा है रौनक खत्री की जीत है, पूरी एक तरफा, पूरी हौसला पूरी रौनक खत्री की पूरी जीत है। किसकी? रौनक खत्री। कौन से पार्टी की बात करें? तो NSUI पार्टी, NSUI की। चलिए और भी लोग, अच्छा इस बार जो आप लोगों ने वोटिंग दिया था सितंबर में, 2 महीने के बाद काउंटिंग हो रही है, 2 महीने पहले जो वोटिंग आपने किया, तो एक होगा ना कि किस किस विषय को लेकर आपने वोटिंग करी थी? थोड़ा सा कॉलेजों में सुधार हो, यहाँ पे जो गुंडागर्दी है ये चीजें बंद हो, इस चीज को लेकर हमने वोटिंग दी, इसलिए हमने रौनक खत्री को वोट दिया। रौनक खत्री को वोट दिया। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके आप लोग भी बड़े राजनेता बनेंगे, तो क्या लगता है दिल्ली का माहौल कैसा करेंगे? अभी जो स्थिति है, जिस जो हालात है, क्या आपके टाइम पे वो हालात होगी या बेहतर कर पाएंगे, या अभी क्या कमी है जो पहले बाद में ठीक कर पाएंगे? इससे तो काफी बेहतर होगा आने वाले टाइम में। अभी क्या स्थिति है, अभी क्या गलत होगी? अभी तो आप काफी चीजें देख रहे हो, यहाँ पे अभी कोई ऐसा सुधार नहीं है जिस चीज पे बात करें, पर आने वाले भविष्य में काफी चीजों में यहाँ पे सुधार दिखेगा, काफी सुधार देखने को। बिल्कुल, आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? देखिए, जो चुनाव है वो निष्पक्षता से होनी चाहिए, जाति धर्म की बातें इस चुनाव में भी, मतलब विचारधारा का चुनाव जरूर है, लेकिन एक विचारधारा का प्रभाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है लगातार कैंपस में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी मौजूदा जो सरकार है, अभी जो RTC जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या लगता है सिर्फ RTC जी जो सिर्फ मुख्यमंत्री है पद पे या काम के भी है? नहीं, वो कठपुतली है, जैसा कि आप देख रहे हो केजरीवाल जी की चलती है आम आदमी पार्टी में। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, आपका क्या नाम है? नवीन। यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट में आ रहे हैं, मैं खतरी के NSUI NSUI के ही सपोर्टर है यहाँ पे। हाँ जी, जीत हो रहा है ना NSUI का? दावे तो लोग कर रहे हैं ABBP का है। नहीं, हम आगे चल रहे हैं 1000 वोटों से, 1000 वोट आगे चल रहे हैं। क्या लगता है विजय होंगे? विजय होंगे, काम करेंगे फिर। इस बार DU में किसकी, किसका परचम लड़ेगा? NSUI का, NSUI का। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पे और भी महानुभाव है, क्या नाम है सर आपका? विशाल। कैसा चुनाव का माहौल है? बहुत अच्छा चुनाव का वोटिंग माहौल है, वोटिंग के बाद काउंटिंग की बात, बहुत अच्छा माहौल है। हमारे भाई हैं भानु प्रताप जी, ABBP से अभी अपना फाइट कर रहे हैं इलेक्शन में, बहुत अच्छी लीड ले रहे हैं वो, और जहाँ तक उम्मीद है वो इलेक्शन में जीतेंगे। हम उनकी जीत का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और हमारी तैयारी हर तरीके से स्टार्ट थी पिछले कम से कम 6 महीने से,
बहुत अच्छी हमने वो करी है अपनी तरफ से मेहनत। और आप दिल्ली में रहते हैं, बात करें आप दिल्ली में रहते हैं, जो पोल्यूशन नहीं पोल्यूशन की बात करते हैं नॉर्मल, इससे हट के पोल्यूशन की बात, क्या स्थिति क्या लगता है? पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा यहाँ का एक लेवल बहुत ज्यादा है और आंखों में जलन इस तरीके की समस्या बहुत आम हो चुकी है अभी इधर की तरफ। देखो इसमें क्या नाम सरकार को कुछ अच्छा सा कोई, सरकार की बात करिए तो मैं सरकार की बात करता हूँ, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री वास्तविक में मुख्यमंत्री पद पे रह के काम कर रही है सिर्फ कठपुतली की तरह? हमारे हिसाब से तो कुछ ऐसा कुछ खास काम कर नहीं रहे हैं, बस फ्री के रेवड़ियां बांट देते हैं और लोगों को फ्री दे दिया, राशन फ्री दे दिया, बस फ्री दे दी। इस तरीके का काम करने से कुछ बच्चों का फ्यूचर थोड़ी ना आगे बढ़ जाएगा। ऐसे कामों से तो क्या होगा कि भाई बच्चों का आलस आएगा आगे जाके। कुछ काम कर जब उनको फ्री का सिस्टम मिल रहा है, सारा बस फ्री मिल रही है रहने के लिए उनको, मतलब क्या अपना बिजली पानी सब फ्री मिल रहा है तो क्यों काम करेंगे वो लोग? हमारे आप इधर की साइड आइए, हरियाणा की तरफ देखिए, हमारे जो इसका ना सैनी साहब है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नायब सैनी जी, तो इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आने वाले फ्यूचर में बच्चों के ऊपर। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, हम जाने की कोशिश करेंगे अब। चलिए यहाँ पे और भी स्टूडेंट उनसे बात करते हैं, क्या नाम है? आकांक्षा। कौन सी क्लास में? मैं अभी मतलब मास्टर्स कर रही हूँ साउथ कैंपस। जो अभी काउंटिंग हो रही है इस पे किसकी जीत देखी जा रही है? मतलब वैसे तो एबीवीपी है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो भानु प्रताप सिंह है जिनका कंफर्म है, लेकिन प्रेसिडेंट कैंडिडेट में अभी थोड़ा सा टक्कर चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि एबीवीपी जीतेगी। आपने अभी वोट किया था आपने? हाँ जी। क्या सोच के, क्या क्या मतलब कि एक होगा मांग की इस तरह का मैं वोट करूंगा तो ये सब चीज मुझे चाहिए? रिक्वायरमेंट्स नहीं, मैनिफेस्टो निकलता है एबीवीपी का, मैनिफेस्टो की बात तो कर रहे थे, लेकिन आपने क्या सोचा था? और वोट करते हैं तो क्या क्या सुविधाएं आपको चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था क्या चाहिए, महिलाओं के लिए क्या चाहिए, लड़कियों के लिए? एक लास्ट टाइम भी ना वुमेन सेफ्टी के ऊपर एबीवीपी ने बहुत काम किया है, तो जो मेन एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो एबीवीपी हमेशा फोकस करता है वुमेन सेफ्टी पे, तो इस बार भी यही सोच के कि अगर लास्ट टाइम काम किया है तो यही सी उम्मीद से कि पिछले बार हॉस्टल्स वगैरह है तो अभी उसकी डिमांड चल रही है, तो अगर हम ही इन पावर रहेंगे तो वो चीजें बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी, वरना एनएसयूआई ज्यादा वुमेन सेफ्टी पे काम नहीं करता। तो यही दिल्ली में रहती है, अगर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या लगता है पॉल्यूशन बहुत खराब है या ठीक है, क्या है या कैसा आपको पॉल्यूशन में रह के कैसा महसूस हो रहा है? एक्चुअली पॉल्यूशन तो बहुत खराब है, मतलब एक्यूआई तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा रहा है, लेकिन जो मैनेजमेंट गवर्नमेंट की चल रही है मतलब वो बहुत खराब चल रही है कि अगर कंट्रोल करने पाए तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, तो वही की पॉल्यूशन इन कंट्रोल होना चाहिए जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही है, लाइक अगर हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो पता चलता है कि कितनी खराब एयर है। तो आपने गवर्नमेंट की बात करी तो एक सवाल गवर्नमेंट के लिए भी है, जो अभी मौजूदा सरकार है दिल्ली में आतिश जी जो बैठी हुई मुख्यमंत्री पोस्ट पे, तो क्या लगता है वो सिर्फ काम कर रही है या सिर्फ स्टाम्प की तरह काम केजरीवाल जी कर रहे हैं? एक्चुअली वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट है, अभी काम तो केजरीवाल जी ही कर रहे हैं, वो सिर्फ एक मोहरा बना के रखा गया है क्योंकि वो खुद इन पावर नहीं रह सकते हैं, तो काम वाम तो केजरीवाल जी की तरफ से भी कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। जगह जगह छोटे छोटे कैंप में जाके वो मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बोले मैंने बहुत सारा काम किया आप मुझे वापस वोट दो जिताओ, मैं फिर से दिल्ली का जो रुके हुए कार्ड हैं फिर से करेंगे ऐसा कर? अभी वो पॉल्यूशन मतलब जो अभी की प्रॉब्लम है उन पे ना ध्यान दे के वो अपने पीछे के ढोल पीट रहे हैं कि ये किया है वो किया है हमें नेक्स्ट टाइम वोट दो, तो लाइक उन्हें अगर वो इस चीज पे फोकस ना करके अपने काम पे फोकस करें तो शायद पब्लिक वैसे ही वोट देगी। एक प्लस सवाल है, आप अभी वोट किया है आपने, अभी कॉलेज का चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कल आप बड़े राजनेता बनेंगे राजनीति बनेंगे तो क्या बदलाव करेंगे दिल्ली की बात करें? एक्चुअली दिल्ली में सबसे मेन है अभी भी ना बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सेफ्टी की बात करें तो नहीं है, लैंप लाइट्स बहुत जगह खराब हुई है, अगर हम रात को निकलते हैं तो अभी लाइक बहुत सारे उन्होंने ऐसे निकाले लाइक वुमेन सेफ्टी के लिए वैन्स चली है, वामिका चली है यूनिवर्सिटी में चली है वो एबीवीपी के थ्रू चली है, और भी मतलब बहुत सारे लाइक पॉल्यूशन है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिल्ली में है जो अभी भी लाइक नहीं आ रही है, मतलब उसको उस पर लोग फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो अगर इन पावर आते हैं तो सबसे जो पहला इशू है वो हम देखेंगे कि जितनी भी जो रात में जो लड़कियों के लिए जो सेफ नहीं है उसको पहले ध्यान दिया जाए, लाइक पुलिस है अभी भी खड़ी रहती है, लेकिन पुलिस का क्या है कि अगर मैं अभी चले रात को हम 2 बजे जा रहे होते हैं तो अभी एक इन्होंने ना लो लाया था कि अगर हम जा रहे हैं तो पुलिस हमें हमारे घर तक ड्रॉप कर देगी अगर कोई व्हीकल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, तो एक तरह से जो मतलब प्रशासन है उसको स्ट्रॉन्ग करना और उस पर ज्यादा ध्यान देना, मतलब बेसिक चीजें हैं जो अभी तक नहीं हुई है तो मेनली उन्हीं पे फोकस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस पे और यहाँ पे लगातार स्टूडेंट्स हमने बातचीत करी कि उन्होंने जो वोट करी है किस मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने बखूबी बताया कि यहाँ पे जो एबीपी के द्वारा जो पिछले बार भी उन्होंने कमिटमेंट किया था कि महिला सुरक्षा को लेकर वो लगातार यहाँ पे
जो काम कर रहे हैं और बेहतर काम उन्होंने किया, तो उसको देखते हुए लड़कियां बोली कि हमने उन्हीं को वोट किया, लेकिन वही एनएसवाई की बात करें तो वो कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।